नमस्कार दोस्तों, आज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं और उसमें भी हम लेजर पोस्टिंग का एक नया तरीका देखेंगे या लेजर पोस्टिंग के बारे में आपकी समझ बढ़े ऐसा एक वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपको जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं वो देखना है तो उसके लिए तीन सिंपल गोल्डन रूल है जर्नल एंट्रीज के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है। मेरा आज का टॉपिक है कि मैं आपको एक लाइफ हैक बता रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग लेजर पोस्टिंग। तो ये स्पेशली वीडियो नॉन फाइनेंस के लोगों के लिए है और ये लाइफ हैक है। लाइफ हैक का मतलब होता है शॉर्टकट एंड नॉन टेक्निकल बट एक्यूरेट इन रिजल्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ठीक है, ये थ्योरी वीडियो है और इसमें मेरा एम है कि जो नॉन फाइनेंस के लोग होते हैं उनको डेबिट और क्रेडिट के वर्ड से ही बहुत डर लगता है, तो वो डर को थोड़ा सा हटाना है। तो कैसे हटाना है कि आप, मुझे पता है कि आपको डर लगता है कि डेबिट क्रेडिट वर्ड सुन के, लेकिन आपको इनकम और एक्सपेंस ये दो साइड तो पता होती है। हम बचपन से ही इनकम और एक्सपेंस साइड बनाते हैं। इवन हमारा ग्रोसरी लिस्ट होता है तो भी उसमें हम एक जगह हमारा महीने का ग्रोसरी का अमाउंट लिखते हैं कितना होता है और उसमें से एक्सपेंस लिखते हैं। यो नॉर्मल अपना इनकम और एक्सपेंस साइड सबको पता होती है। ठीक है, तो उसके एंगल से उसी हिसाब से मैं आपको आज सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो कैसे देखना है, हर अकाउंट को इनकम और एक्सपेंस इस नज़रिए से कैसे देखना है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप साइंटिफिक वे जो होता है लेजर पोस्टिंग का वो सीख लीजिए। ठीक है, और ये जो वीडियो है इसको आप एज ए एडिशनल नॉलेज अबाउट लेजर पोस्टिंग ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है तो ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी ट्रिक। तो अब समझ लेते हैं कि अगर इनकम और एक्सपेंस इस नज़रिए से हमको सारे अकाउंट्स देखने हैं, इफ़ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स By the way of income and expense। ठीक है, तो कैसे करना है तो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जितने भी पर्सनल अकाउंट होते उसकी अगर डेबिट साइड है तो उसको आप समझ लीजिए, उसको मान लीजिए वो उसको इनकम साइड मान लीजिए, और जो क्रेडिट साइड है पर्सनल अकाउंट की उसे आप खर्चे की या एक्सपेंस की साइड मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार से जितने भी रियल अकाउंट है उसमें डेबिट साइड को आप जमा या इनकम साइड बोल दीजिए और क्रेडिट साइड को आप खर्चा साइड बोल दीजिए, एक्सपेंस साइड बोल दीजिए। ठीक है, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट है वो उसका डेबिट साइड जो होता है वो खर्चा होता है और जो क्रेडिट साइड होता है वो जमा साइड होता है। तो यहाँ पर उल्टा होता है। ठीक है, पहले दो में देख लीजिए, मैंने कलर कोडिंग भी उसके लिए ही किया है ताकि आपको समझने में आसानी जाए। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप इन तीनों का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। बाद में लेजर पोस्टिंग कैसे करना है उसका वीडियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, या फिर मैं भी बना के डाल दूँगा। तो ये होता है कि आपको जमा और खर्चे की नज़रिए से अगर आपको तीनों टाइप के अकाउंट देखने हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो वो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। ठीक है, और आपके तीनों जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं जैसे, या तीनों मेन अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट उसका भी, वो तीनों नॉमिनल होते हैं। ठीक है, नॉमिनल टाइप के होते हैं इसलिए उनका जो डेबिट साइड होता है वो खर्चे का होता है और क्रेडिट साइड जो होता है वो जमा का होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड जो होता है वहाँ पर सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड में सारे जमा हो गए। बाय सेल्स लिखते हैं हम, यानी सेल्स से हमें पैसा आता है। और ठीक है, तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी यहाँ पर प्रॉफिट आता है, यानी ये जमा साइड हो गई और यहाँ पर खर्चा आता है डेबिट साइड में। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी आप देखिए जो खर्चा साइड होता है हमारा वो लाइबिलिटीज़ होता है और जो जमा साइड होता है वो असेट का होता है। ठीक है, तो अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो ये एक
छोटा सा आपकी हेल्प करने वाला वीडियो है। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।